अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सैयद मुज्तबा, अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी मैं जा रहा हूँ शिदरा वैली और ये साथ मेरे दोस्त हैं, तो चलते हैं शिदरा वैली और आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। तो ये जो रोड आ रहा है, ये जो सामने रोड आ रहा है, ये आ रहा है बरकाऊ का मेन रोड है और ये रोड बिल्कुल सीधा इधर जाता है और ये बिल्कुल सीधा आप शिदरा वैली जो है वो पहुँच जाएंगे। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बाइक है इधर खड़ी हुई है और ये दोस्त है मेरे और ये आप पीछे व्यू देख सकते हैं शिदरा वैली का, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। नीचे लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम भी नीचे चलते हैं और आपको और व्यू दिखाते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत सीन है। ये यहाँ पे नीचे जगह बनी हुई है बैठने के लिए, अगर आप बैठना चाहते हैं तो। दोस्त मेरे नीचे उतर गए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी नीचे आ जाएं, उधर सामने दाना है पार। ये हमारा दोस्त है, इसने पहने हुए हैं जोकर और इससे गुजरने नहीं हो रहा, लेकिन ट्राई कर रहा है, हो गया। वैसे डरता बहुत ज़्यादा है, वैसे होता कुछ नहीं है यार। वैसे ये जो पानी है ना, ये वाला इतना ठंडा नहीं है, ठीक है, जिसमें लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो पानी है ना, अजीज़ भाई पाँव पीछे करो, ये जो पानी है ये देखें यार, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन बड़े मज़े का ठंडा पानी है ये, फ्रेश पानी है बिल्कुल। और ये जो आ रहा है यार, इसमें पता नहीं पीछे लोग नहा रहे हैं, क्या सीन है, ये बिल्कुल जो है ना एक किस्म का गर्म ही है, थोड़ा सा ठंडा पानी है ये। ये देखो भाई कितने शहरी लोग मैं साथ ले कर आऊँ यार। वैसे मौसम इस टाइम जो है बड़ा ही खूबसूरत है और दो दिन से कंटिन्यूसली इस बाद में बारिश हो रही है और वेदर बहुत ही प्यारा होता जा रहा है। अभी भी ये जगह गीली है, हम इधर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह इधर ऊपर बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन अभी हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, एक जगह से बंद था रास्ता, तो इधर उन्होंने लिख के लगाया हुआ है सिर्फ फैमिलीज ऊपर जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अजीज़ भाई इधर ऊपर जाने देते हैं, नहीं देते? हाँ जाने देते हैं। ये जी ऊपर हम आए हैं, ये शिदरा वैली रेस्टोरेंट है और बड़ा ही खूबसूरत जो है यहाँ पे सीन है, बिल्कुल रिलैक्सिंग पॉइंट है यहाँ पे। उधर तो फिर आवाज़ आ रही होती है, लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इंसान बैठ जाए तो बिल्कुल। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और ये जो बंदा है यार हमारे साथ ना, ये बंदा किसी काम का नहीं है, मामी डैडी इंसान है और अगर दो स्टेप आ जाए तो तब भी इसे घुमाना पड़ता है। और ये देखो ये थक चुका है और उसकी सांस फूल चुकी है, रास्ता कितना सामने तय किया वहाँ से। ये जी मैं हूँ और ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ पे ये जो है वो सेल्फीज़ खींच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सेल्फीज़ खींची हैं और पिक्चर भी खींची हैं बहुत ज़्यादा। अब उनमें से कोई दो तीन ही काम की आई होंगी, रैंडमली खींची गई में से। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे सामने हम गए हुए थे ऊपर और वहाँ से हम इन्जॉय कर रहे थे। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है तो वापस चलते हैं घर को और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।